नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, लेकिन पिछले 3 साल में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। तो क्या ये सही समय हो सकता है खरीदने का? आइए चर्चा शुरू करें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज की डेट में मार्केट में वैल्यू कहाँ पर है। स्मॉल कैप्स बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, मिड कैप्स भी तेजी से बढ़ गए हैं, निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने कुछ पैसे बचा के रखे होंगे कि यार मेरा फेवरेट स्टॉक जब थोड़ा नीचे आ जाएगा या मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो इस वक्त काफी मुश्किल हो रहा है इन्वेस्ट कर पाना। तो कोटक की अगर हम अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो हम कारण देखेंगे कि मेजर कारण क्या है और ये कब तक चलेगी। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है बैंक की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक की परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी रिसेंटली मिस्टर उदय कोटक ने रिजाइन कर दिया है, तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? फिर वैल्यूएशंस देखेंगे और बैंकिंग सेक्टर में और कौन कौन से इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन। तो अगर हम देखें, बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है रिसेंट रैली में। ये जो रैली स्टार्ट हुई थी मार्च अप्रैल के टाइम फ्रेम में, तो वहां से अगर आप देखें तो निफ्टी ने 16.5% के आसपास का रिटर्न दिया है और बैंक निफ्टी ने सिर्फ 13.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो ये जो 3% का डिफरेंशियल है, ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में कैचअप करे। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत जल्दी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी का देखें तो करीब 3% की अंडर परफॉर्मेंस है रिसेंट रैली में, तो आने वाले समय में कैचअप कर सकते। कोटक महिंद्रा बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 3 साल में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, अपने ऑल टाइम हाई से 30% लोअर चल रहा है। एक बार बैंक की परफॉर्मेंस पे नजर मार लेते हैं। अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को साइड बाय साइड देखें स्टॉक प्राइस सीएजीआर से, तो 10 ईयर्स के केस में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 21% है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 18% है। तो ये तो ठीक है लगभग, लेकिन अगर आप 5 साल का देखें या 3 साल का देखें तो अंडर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा। तो बैंक की परफॉर्मेंस को और थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो रेवेन्यू के नंबर्स अगर देखें तो बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें वो भी बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ रहा है। अगर हम बैंक की परफॉर्मेंस के बाकी पैरामीटर्स पे नजर मारें तो एसेट क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, लोन बुक ग्रोथ काफी अच्छी है, कासा रेशियो और बाकी पैरामीटर्स में भी काफी कंफर्टेबल परफॉर्मेंस है। अगर हम सेगमेंट वाइज देखें, इंश्योरेंस सेगमेंट हो गया या एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट हो गया या वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट हो गया, परफॉर्मेंस ऑलराउंड काफी अच्छी रही है। वैल्यूएशंस अब काफी कंफर्टेबल हैं। अगर आप मीडियम पीई देखें तो 35.9 का है और करेंट पीई अगर आप देखें तो 22 का है, तो ये डिफरेंस काफी बड़ा है। ये बैंक हमेशा से थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशंस पे चला है। अगर आप एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करें तो हमेशा इस बैंक को प्रीमियम वैल्यूएशंस मिली है। इसकी जो वैल्यूएशंस रहती है प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो 5 to 6 टाइम्स रहती है, लेकिन ये अभी करेंटली जो एचडीएफसी बैंक की वैल्यूएशंस हैं उस पे अवेलेबल, डाउनसाइड यहाँ से काफी लिमिटेड। ये हम चार्ट देख लेते हैं, ये लास्ट 3 ईयर्स का, ये जो डॉटेड लाइन है ये मीडियन पी ही है 31.3 का, और करंट पी अगर आप देखें तो वो 22 के आसपास। एक बार रिस्क पे बात कर लेते हैं। मिस्टर उदय कोटक जिन्होंने इस बैंक को बनाया, जिन्होंने इस बैंक को एक अननोन ब्रांड से इस स्टेज तक लेके आए, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उनका जाना इस ईयर एंड तक तो मार्केट को बहुत पहले से पता था, लेकिन उन्होंने कुछ महीने पहले ही रिजाइन कर दिया है। जो इंटरिम सीईओ हैं मिस्टर दीपक गुप्ता, वो अगले 2 महीने तक ही हैं, तो मैनेजमेंट के लेवल पे थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ये देखना होगा कि न्यू मैनेजमेंट भी क्या कोटक महिंद्रा बैंक के कल्चर को, कोटक महिंद्रा बैंक की ग्रोथ को उसी लेवल पे सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं। देखिए, ट्रेडिशनली कोटक महिंद्रा बैंक को प्रीमियम वैल्यूएशंस मिली है क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी उसकी बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में, जैसे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में काफी बेटर रही है। बट क्या आने वाले समय में
वो आउट परफॉर्मेंस बैंक लेवल पे कंटिन्यूड रहेगी। अगर वो उसी लेवल पे परफॉर्म करते हैं तो इसको प्रीमियम क्यों मिलेगा, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, मेरा क्या व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में रैली ओवरड्यू है, अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो गई है। कोटक महिंद्रा बैंक इस वैल्यूएशन में रेयरली मिलता है, और एक बार अगर मैनेजमेंट ओवरहैंग स्टेबल हो जाता है, थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, और जो कल्चर है और जो ग्रोथ का पैटर्न है वो अगर सस्टेन हो जाता है, तो इस बैंक को प्रीमियम वैल्यूएशंस एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिलनी चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए, अपने एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो HDFC बैंक को स्टडी कर सकते हैं, इसका वीडियो हमने रिसेंटली बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक को स्टडी कर सकते हैं, इसका भी वीडियो हमने रिसेंटली बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंस को भी कंसिडर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ICICI बैंक को स्टडी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो PSU बैंक को अवॉइड कर सकते हैं। आपके पास बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, आप किन किन स्टॉक्स पे बुलिश हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी पे हम वीडियो बनाएं तो उसका रिक्वेस्ट भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।